सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं बस मेरे भाग्य ही है कि मैं महादेव जी के सामने महादेव जी के चरणों में बैठा हुआ हूँ और इनका इंटरव्यू लेने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। चलो पूछ लेते हैं, जब महाराज जी इस गेटअप में होते हैं तो इनको कितना सम्मान मिलता है, और जब ये इस गेटअप को चेंज कर देते हैं तो इनको कितना सम्मान मिलता है, और इनको इस गेटअप में कैसा लगता है? महादेव जी साक्षात महादेव जी बने हुए हैं, इसी बारे में महादेव जी से पूछ लेते हैं कि ये इनके मतलब इनके खुद की इच्छा है या फिर ये और कुछ करके महादेव जी के भगत बने हुए हैं। चलिए पूछ लेते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, मेरे भैया को भी मस्त रखें। और भैया का क्वेश्चन ये था कि मुझे ये करके क्या क्या लगता है। जी जी बाबा जी, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैं जो मैं करता हूँ ना वो शायद बाबा भोलेनाथ तक कहीं ना कहीं पहुँचता होगा। बस उनकी सेवा करता हूँ, घर परिवार चलता है हमारा, और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ मैं। कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिसकी वजह से किसी भक्त को दिक्कत हो या परेशानी हो, कि इस तरीके का काम करता हूँ, मर्यादा में काम करता हूँ। और बड़ी खुशी मिलती है बाबा जी का ये स्वरूप रख के, और बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है। बस यही चाहिए बाबा भोलेनाथ से, बस यही दुआ करता हूँ सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो बाबा जी कब से मतलब कब से बचपन से हो या फिर आपको मतलब बचपन के बाद में? मुझे अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जागरण इंडस्ट्री के अंदर, आर्टिस्ट इंडस्ट्री के अंदर मेरे को 25 ईयर्स हो गए हैं। 25 साल मेरे को इस इंडस्ट्री में काम करते हो गए हैं, मेहनत करी है। और अब 10 साल से बाबा जी ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि बड़ी कृपा है, मतलब बाबा जी की बहुत कृपा, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। मौज है, मौज में कट रही है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। बड़ा धन्यवाद करते हैं बाबा भोलेनाथ का। तो बाबा जी कभी कभी कोई परेशानी हो जाती है? अभी तक तो कभी कोई परेशानी हुई नहीं है, आगे भी होने नहीं देगा। मतलब आपकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है जब आप इंडिया टच में होते हैं? मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, मैं तो एक कुछ सा कलाकार हूँ, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, पर यह है कि जिनका मैं स्वरूप रखता हूँ वो बहुत बड़े हैं, तो उनका सम्मान मुझे भी मिलता है, बस यही खुशी होती है। काफ़ी सम्मान मिलता होगा? बहुत सम्मान मिलता है, बड़ी खुशी होती है ये काम करके। और मैं उनकी भी दाद देता हूँ जो एक तकला रख के 5-5 मंजिल पे ईंटे चढ़ाते हैं, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। शायद हमारी ड्यूटी बाबा भोलेनाथ ने ये लगाई है कि हम ये काम कर रहे हैं। सबका अपने अपने कर्मों के अनुसार है, आप ये कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाबा भोलेनाथ सबकी चला रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने थोड़ा सा समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर 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 महादेव, धन्यवाद।